नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अम्बाला छावनी की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। रविवार को सीबीआई ने एक झूठे मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से 9.5 घंटे पूछताछ की, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। इसके विरोध में हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जिस तरह हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने से रोका जाता है, मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर भी नहीं लगाने दिए जाते हैं, ऐसे ही मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी के आदरणीय राज्यसभा सांसद और हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का और उनके साथ आई टीम का, और साथ ही मैम स्वागत करते हैं सभी प्रेस के मेम्बरान का जो आज यहाँ पर हमारे साथ इस पीसी में उपस्थित हैं। कुछ देश के आगे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई आज हर वो पक्ष लड़ रहा है जो सत्ता में नहीं बैठा हुआ शायद, और आज जो अटैक हम कह रहे हैं हो रहा है वो मात्र किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर नहीं हो रहा। आज हम कह रहे हैं जो अटैक है वो हमारे संविधान पे है, हमारे मूलभूत अधिकारों पर है, हमारे जो अस्तित्व है, हमारे देश की डेमोक्रेटिक ढांचा है उसके ऊपर। तो आज अम्बाला में आप सबको, सभी आपके प्रेस के साथियों के माध्यम से पूरी जनता को संबोधित करेंगे हमारे जो प्रदेश के आदरणीय प्रभारी डॉक्टर सुशील। नमस्कार, धन्यवाद चित्रा जी। आज जिस प्रकार से सीबीआई का, ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने बुलाया बिना किसी अपराध के, बिना किसी कसूर के 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की, 56 से ज्यादा क्वेश्चन उनसे पूछे गए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया उनको, परंतु सारी बात करके फिर ये बात सामने आई कि झूठा फर्जी केस घड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस झूठे फर्जी केस में दिल्ली के शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन और हेल्थ मिनिस्टर दोनों को, सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया जी को, पिछले काफी लंबे अरसे से बंद करके रखा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी। इस तरीके से जैसे बुलाया गया अरविंद जी को, तो इस देश में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी खत्म कर दे। आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी अब भाजपा में इकट्ठे हो गए, जो जिनके ऊपर केस नहीं है, आम आदमी पार्टी के जैसे लोग हैं उनको जितना मर्जी दबाने की कोशिश करें, कुचलने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें, हम उनसे ना डरने वाले ना टूटने वाले। दिल्ली के अंदर बीजेपी हर रोज खुलेआम पोस्टर लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर लगाया, मोदी हटाओ देश बचाओ, थर्रा गई दिल्ली की हुकूमत। एक दिन के अंदर 36 FIR दिल्ली के अंदर दर्ज की। हरियाणा के अंदर पोस्टर लगाया हमने, हरियाणा के अंदर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। क्या यह हक नहीं है? हर किसी के खिलाफ पोस्टर लगते हैं? इस लोकतंत्र के अंदर ऐसी बातें क्यों होती है? 11 महीने से सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर रखा हुआ है, आज तक 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाई, चार्जशीट के अंदर नहीं कह पाई। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखा हुआ, 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाई। परंतु बस क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उनके कमियों को उजागर करते आए हैं। परंतु पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश अरविंद केजरीवाल जी ने किया, ये सीबीआई का संबंध इसलिए आया
अरविंद जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बीजेपी के भ्रष्टाचार को दिल्ली विधानसभा के अंदर बताया और लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने समझा कि अडानी का पैसा वास्तव में अडानी का पैसा नहीं है, केंद्र सरकार का पैसा है जो रातों रात दो नंबर का व्यक्ति बना दिया गया, अमीर सबसे ज्यादा, जिसको हिंदुस्तान के बंदरगाह दे दिए गए, एयरपोर्ट दे दिए गए, रेल दे दी गई, सड़क दे दी गई, हवाई जहाज दे दिए गए और सब कुछ, जो विदेशों के अंदर भी प्रधानमंत्री जी गए तो उनके साथ वो गए और एक विदेशी कंपनी ने उसका जब पर्दाफाश किया तो ताश के पत्तों की तरह उसके शेयर बिखर गए। जो दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति था वो 40वें नंबर पे चला गया। जब आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर और सड़क के ऊपर उसके खिलाफ जांच की मांग की, ज्वाइंट पार्लियामेंट, तो वहां से तिल मिलाए भारतीय जनता पार्टी ने ये अरविंद जी के ऊपर छोटा केस बनाने की कोशिश की है। ये कुछ किया नहीं है तो छुपाना क्या, हमें 100 बार बुलाएगी सीबीआई तो 100 बार जाएंगे, परंतु विरोध प्रदर्शन का हमारा हक है, उस हक को किस कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी रोकी है, किस कानून के तहत मंत्री, विधायक, सांसद बैठ चुपचाप बैठे हुए को उठा के थाने के अंदर बंद किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। मैं आपके अंबाला के अंदर आया हूँ, कल विज साहब ने एक बयान दिया था कि सीबीआई बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, अगर उसने बुलाया है तो जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि मोदी साहब ठीक बोल रहे हैं या खट्टर साहब ठीक बोल रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगला चुनाव सीबीआई, ये इन्होंने कांग्रेस से सीखा था और अब ये अमल कर रहे हैं। ये अगला चुनाव सीबीआई और ईडी के दम पे लड़ना चाहते हैं विपक्षी नेताओं को करके। पहले अनिल विज को देखना पड़ेगा कि मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या अनिल विज झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक तो बोल ही रहा है, ये कह रहा ठीक है, ये कह रहा नहीं खराब है, तो ये फैसला इनको खुद करना पड़ेगा। आज मैं अम्बाला के अंदर आया हूँ, कल अम्बाला का मैं अखबार पढ़ रहा था, इनके बहुत ही निजी व्यक्ति बंटी पहलवान जी, उनके घर पे असली मिलते हैं, या अखबारों के अंदर सुर्खियों में छपा है और उसको छुड़वाने के लिए इनके शक्ति प्रमुख जाते हैं, इनके बाकी लोग जाते हैं, इनकी सारी टीम के भाई इसको छोड़ दो, ये गृह मंत्री का खास आदमी है। क्यों ऐसा, जो एक फिल्म आई थी ना, ये अपने आप को गब्बर कहते हैं, रामपुर का गब्बर था, तो गब्बर के कैसे लोग हुआ करते, वही लोग हैं इनके। मैं कहना चाह रहा हूँ अम्बाला के अंदर बैठ के देश इसके गृह मंत्री हैं और भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के जो ऑफिस है, नेशनल सर्वे सैंपल ऑफ इंडिया, उसका सर्वे है कि सामाजिक सुरक्षा के अंदर हरियाणा देश में सबसे पीछे। ये मैं डाटा के साथ आया हूँ, किसी को चाहिए तो मैं उसकी कॉपी आपको दे सकता हूँ। और महिलाओं के खिलाफ अपराध 27% बढ़ा है, तो गब्बर जी ये बात आप तय कर लो कि आपके गुंडे अम्बाला को चलाएंगे या महिलाओं की सुरक्षा कर पाओगे या सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे दे पाओगे। ये बिल्कुल बदहाल ये व्यवस्था आपने कर दी है और गुंडों को सजा दिलाने का काम राज्य के गृह मंत्री का होता है। अगर आप और आपके लोग गुंडों को संरक्षण देंगे और रीड पढ़ने के बाद उनको छुड़ाएंगे तो ये अच्छा संदेश आप लेते हैं। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।